दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि इस वक्त कोरोना की दूसरी वेव का संक्रमण बहुत तेजी से चल रहा है, और जो हमारे नज़र में आ रहा है वो ये है कि यह दूसरी वेव में जो मरीज़ हमारे तक पहुंच रहे हैं वो काफ़ी सीरियस कंडीशन में पहुंच रहे हैं। और इसका कारण जो हमको अभी तक समझ में आ रहा है वो ये कहीं ना कहीं जो लग रहा है वो सबसे मुख्य कारण ये है कि मरीज़ घर पर रहकर अपना इलाज कर रहे हैं, और जब स्थिति काफ़ी ख़राब हो जा रही है तब वो अस्पताल में पहुंच रहे हैं। ऑक्सीजन सेचुरेशन बहुत कम हो जाता है और उसका ध्यान वो रख नहीं पाते हैं घर पे रहते हुए, या उनका बुखार बहुत तेज है जो कि कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, और या दस्त हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, खांसी काफ़ी चल रही है, शरीर में काफ़ी कमज़ोरी लग रही है, बदन टूट रहा है, दर्द दे रहा है, और मरीज़ दवा खा के, किसी भी प्रकार की दवाइयाँ खा के, बिना डॉक्टर के सलाह के वो घर पे रह के अपना इलाज करने की, खुद स्वतः इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें कहीं ना कहीं वो अपनी बीमारी को घातक रूप दे रहे हैं। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप किसी न किसी डॉक्टर के संपर्क में ज़रूर रहें, अपना ऑक्सीजन और तापमान लगातार बीच बीच में नापते रहें। अगर आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन 93% से नीचे जा रहा है तो तुरंत किसी अस्पताल के संपर्क में आएं, और अगर बेड की व्यवस्था हो जाती है तो तुरंत अस्पताल में जाके भर्ती हो जाएं। ये जो दूसरी वेव का कोरोना है, ये जो फिर से जो कोरोना हमारे प्रदेश में प्रवेश किया है, यह प्रथम बार से ज़्यादा घातक है, और इस वक्त हम जो देख रहे हैं वो युवा वर्ग और बच्चों को भी संक्रमित कर रहा है, और संक्रमण इतना घातक है कि मरीज अस्पताल में पहुंचते पहुंचते कुछ ही घंटों में ख़त्म भी हो जा रहा है, उसको बचा नहीं पा रहे। इसलिए कृपया करके अपना ध्यान रखें, और इसलिए सावधानी बहुत ज़रूरी है। सावधानी दो ही रूप में हो सकती है, दो या तीन रूप में। एक, मास्क जरूर पहने, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें, तीसरा भीड़ भाड़ की जगह में जाने से बचें, और कोशिश करें कि अगर आपको बुखार, सर्दी, खांसी कुछ हो रहा है तो तुरंत टेस्ट करवाएं। का जीवन बहुत अमूल्य है, अपने जीवन का ध्यान रखें। बाकी सब चीज़ें भविष्य में हो जाएंगी, पर अगर आप जीवित रहेंगे तो ही आप कुछ कर पाएंगे, तो बेहतर यही है कि अपने जीवन का सबसे पहले ध्यान रखें। धन्यवाद।